हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे थर्ड स्टैंडर्ड का ईवीएस लेसन नंबर 20, अवर कम्युनिटी लाइफ। ये लेसन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस चैनल पे आपको थर्ड स्टैंडर्ड के ईवीएस और इंग्लिश के भी वीडियो मिलेंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। अवर कम्युनिटी लाइफ, कैन यू टेल मी, यहाँ पर आपको दो पिक्चर्स दिए हैं और आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, व्हाट डिफरेंस डू यू सी इन द टू पिक्चर शोन अबो। तो देखिए स्टूडेंट, आपको दो पिक्चर दिख रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें आपको डिफरेंस क्या दिख रहा है। देखिए तो फर्स्ट पिक्चर में क्या है, एक जो गर्ल है ये अकेली है इसलिए शांत बैठी हुई है, और अगर दूसरा पिक्चर हम देखेंगे तो ये क्या कर रही है, जो उसके फ्रेंड्स वहाँ पर आ रहे हैं उनके साथ क्या कर रही है, खेलने के लिए सोच रही है। देन सेकेंड क्वेश्चन दिया है, हुज कंपनी डू यू एन्जॉय, तो आपको किसकी कंपनी मतलब यहाँ पे क्या, किसके साथ एंजॉय करना आपको अच्छा लगता है। तो ऑब्वियसली अगर आपके फ्रेंड्स आपके साथ खेलने आते हैं तो आपको अच्छा ही लगेगा। हाउ डू यू डिसाइड विच गेम टू प्ले, और अगर आपके फ्रेंड्स ऐसे आपके घर पे आते हैं आपके साथ खेलने के लिए तो कौन सा गेम खेलना आपको अच्छा लगता है, और हाउ डू यू डिसाइड, आप किस तरीके से डिसाइड करते हो कि गेम कौन सा खेलना है। देखिए कुछ गेम्स ऐसे होते हैं कि आप दो या थ्री स्टूडेंट्स होंगे, फ्रेंड्स होंगे तो भी खेल सकते हो, अगर पूरी टीम साथ में होती है तो अलग गेम भी खेल सकते हो। तो यही आपको इस पिक्चर में डिफरेंस देख रहे हैं कि अकेला कोई इंसान है, अकेली कोई यहाँ पर एक लड़की है तो वह नहीं खेल सकती है, अकेले कैसे खेलेगी, लेकिन अगर उसके साथ उसके फ्रेंड्स भी हैं तो वो डेफिनेटली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक साथ कुछ ना कुछ खेल सकते हैं। वी लाइक द कंपनी ऑफ अदर पीपल, यहाँ पे आपको यही याद रखना है कि देखिए जैसे कि आपके फ्रेंड्स स्कूल में आपसे मिलते हैं तो आप लोगों को अच्छा लगता है उनके साथ रहना, उनके साथ खेलना, तो वैसे ही सारे जो लोग हैं उनको अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ रहना। एट होम वी लिव विथ अवर पेरेंट्स, तो देखिए घर में भी हम लोग अकेले रहते हैं क्या, नहीं, हमारी पूरी फैमिली होती है, हमारे पेरेंट्स, हमारे भाई बहन, हम सब लोग क्या होते हैं, एक साथ रहते हैं। वी ऑल्सो हैव नेबर्स, और जो हमारे नेबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं, उनके साथ भी हम लोग बातचीत करते हैं। वी मिस आवर फ्रेंड्स इफ़ यू कांट मीट देम, तो देखिए जब छुट्टी होती है या फिर वेकेशंस होते हैं तो हम लोग हमारे फ्रेंड्स को मिल नहीं पाते। देखिए स्टूडेंट, जब आपके भी वेकेशन होते हैं तो आप आपके फ्रेंड्स को मिल पाते हैं क्या, नहीं, तो उस टाइम आप फ्रेंड्स को मिस करते हो। वी मिस इवन आवर पेट्स वेन दे आर नॉट अराउंड, तो देखिए कुछ ऐसे घरों में जैसे कि पेट्स होते हैं, पेट्स एनिमल लाइक डॉग कैट ऐसे होते हैं, अगर आप लोग गांव चले जाते हो या फिर आप स्कूल में हो तो ऐसा लगता है ना कि आपको भी उनकी याद आती है, इवन पेट्स होते हैं उनकी हमें आदत हो जाती है, अगर वो हमारे आजू बाजू में नहीं होते तो हम लोग उन्हें भी मिस करते हैं। पीपल लाइक टू लिव इन ग्रुप्स, तो हम लोगों को कैसे अच्छा लगता है, ग्रुप्स में रहना अच्छा लगता है। लिविंग इन द कंपनी ऑफ अवर फैमिली नेबर्स एंड अदर पीपल मीन्स लिविंग इन अ कम्युनिटी, तो जैसे कि हम लोग फैमिली में रहते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ रहते हैं, हमारे नेबर्स फ्रेंड्स जो होते हैं उनके साथ मिलकर रहना हमें अच्छा लगता है, तो इसे ही क्या कहा जाता है, कम्युनिटी, एक साथ हम लोग सब साथ में रहते हैं इसे ही कम्युनिटी कहा जाता है। तो देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पे तीन पिक्चर दिए हैं, अ गर्ल टॉकिंग टू अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन, तो यहाँ पे जो एक लड़की है एक साथ अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ बात करते हुए दिख रही है। सेकेंड जो है यहाँ पे चिल्ड्रेन होल्डिंग हैंड्स इन अ सर्कल, जैसे कि आप लोग भी स्कूल में ऐसे खेलते होंगे, इस तरीके से टीचर आपको बोलती होंगी सर्कल करने के लिए। हेल्पिंग अ बॉय हु हैज़ फॉलन ऑफ हिज बाइसिकल, अगर कोई बच्चा ऐसे स्कूल से या फिर साइकिल पे जा रहा है और गिर जाता है तो बाकी के जो भी लोग वहाँ पे प्रेजेंट होते जल्दी से आ जाते हैं हेल्प करने के लिए। कम्युनिटी लाइफ इज इंटरडिपेंडेंट, तो कैसे होता है ये देखेंगे, वी ऑल नीड कम्युनिटी लाइफ, इफ़ यू डोंट हैव फ्रेंड्स एंड अदर पीपल अराउंड अस हु विल वी स्पीक टू, तो ये जो कम्युनिटी होती है, कम्युनिटी मतलब हमारी फैमिली, हमारे नेबर, सारे जो लोग एक साथ आते हैं इसे ही कम्युनिटी कहा जाता है। तो ये कम्युनिटी लाइफ क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर आपके फ्रेंड्स आपके साथ नहीं है, आपके फैमिली मेम्बर साथ में नहीं है, आपके आजू बाजू में कोई नहीं है, आप अकेले हो घर में, तो आप किसके साथ बात करोगे, हु विल वी शेयर अवर जॉयज एंड सॉरोज विथ अस, आपके जो कोई भी जॉयज मतलब जो भी खुशी है दुख है आप किसी के ना किसी के साथ शेयर करते हो, जैसे कि आपके फ्रेंड हो शायद या फिर आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, उनके साथ आप क्या करते हो, आपकी जो खुशी है दुख होते हैं उनको शेयर करते हो। अगर कोई भी आपके आसपास नहीं होगा तो फिर आप किससे ये शेयर करोगे चीज़ें, तो इसीलिए कम्युनिटी लाइफ जो होती है इम्पोर्टेंट होती है। इन अ कम्युनिटी वी गेट कंपेनियंस, वी फील सिक्योर इन देयर कंपनी,
वी हेल्प देम एंड दे टू हेल्प अस। तो देखिए जैसे कि अगर फैमिली की बात करते हैं तो पेरेंट्स हमारे हमेशा क्या करते हैं, केयर करते हैं और हमें सिक्योर लगता है हमारे घर में हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ। और कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग भी उनकी हेल्प कर देते हैं छोटी मोटी, और जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा ही अपने बच्चों की हेल्प करते हैं। दिस इज़ नोन एज कोऑपरेशन। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आप स्कूल में रहोगे, आपके फ्रेंड को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, उसे पेंसिल चाहिए, तो आप लोग उसे अगर पेंसिल देते हो तो यहाँ पे आप क्या करते हो, उसकी हेल्प करते हो। तो वैसे ही अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो आपका फ्रेंड भी आपको हेल्प कर सकता है। तो ये क्या होता है, एक दूसरे की हेल्प करना, मतलब इसे ही कोऑपरेशन कहा जाता है कि एक दूसरे की हम क्या करते हैं, मदद करते हैं। म्यूचुअल कोऑपरेशन इज़ द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी लाइफ। तो कम्युनिटी लाइफ का सबसे बड़ा बेनिफिट अगर हम कहेंगे तो क्या होता है, कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन रखना। रूल्स आर नीडेड टू बिल्ड दिस कोऑपरेशन। और ये कोऑपरेशन रखने के लिए, एक साथ रहने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। कैसे, वो आगे हम देखेंगे। यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी है, यूज़ योर ब्रेन पावर। तो आपको यहाँ पे सोचना है क्या, देखिए, वॉट इफ देयर वेर नो फार्मर्स। अगर फार्मर्स नहीं होंगे तो क्या होगा। अगर देखिए हम लोग फूड खाते हैं, खाना खाते हैं, तो जो भी ग्रेन्स है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये कहाँ से आते हैं, खेती से, जो कि फार्मर्स ग्रो करते हैं। अगर फार्मर्स ही नहीं होंगे तो हम लोगों तक खाना तो पहुँचेगा ही नहीं। तो ये आपको सोचना है कि अगर फार्मर्स नहीं होंगे तो क्या होगा। वॉट इफ देयर वेर नो स्कूल। अगर स्कूल नहीं होते तो क्या होगा, ठीक है एक दो दिन के लिए आपको लगेगा कि स्कूल नहीं है तो स्टडी नहीं है तो अच्छा है, एंजॉय होगा, लेकिन स्कूल से हमें कितनी सारी चीज़ें सीखने मिलती है, आपको रीडिंग, राइटिंग या फिर ईवीएस जैसे सब्जेक्ट में आपको कई सारी जो गुड हैबिट्स होती है वो भी सिखाई जाती है, कई सारी चीज़ें जो हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छे होते हैं, हमारे हेल्थ के लिए, वो भी हमें सीखने मिलती है स्कूल में। अगर स्कूल ही नहीं होगा तो आप लोग लर्निंग नहीं कर पाओगे, कोई भी नई चीज़ नहीं सीख पाओगे। तो यही आपको सोचना है, व्हाट इफ देयर वेर नो स्कूल। अगर स्कूल नहीं होते तो क्या होगा। अगेन यहाँ पे दो आपको दिए हैं कि व्हाट इफ देयर वेर नो हॉस्पिटल, व्हाट इफ गार्बेज वेर टू पाइल अप। तो ये सारे चीज़ें आपको सोचनी है कि क्या होगा अगर ये चीज़ें नहीं होगी। आवर डेली नीड्स आर फुलफिल इन अ कम्युनिटी। तो देखिए स्कूल्स है या फिर फार्मर्स, हॉस्पिटल्स, मार्केट्स, ये सारी चीज़ें हमारे कम्युनिटी में आती है कि इनके कारण हमारी जो डेली नीड्स होती है फुलफिल हो पाती है। अगर हमें इंजरी होती है या फिर हम बीमार होते हैं तो हम कहाँ पे जाएंगे, हॉस्पिटल्स में। अगर देखिए जो गार्बेज होता है, गार्बेज कलेक्ट करने के लिए जो गाड़ी आती है, अगर वो नहीं आएंगी, गार्बेज अगर हमारे घर से बाहर नहीं जाएगा तो क्या होगा। इतनी सारी जो चीज़ें हैं जो हमारी डेली नीड्स होती है फुलफिल करने के लिए, सारी जो चीज़ें हैं ये कहाँ पे होती है, कम्युनिटी में। एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ फॉर एवरीवन कैन बी डेवलप इन अ कम्युनिटी। तो एजुकेशन जो हमें स्कूल से मिलता है, हेल्थ जो हॉस्पिटल से, हमारा जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वो हमें हॉस्पिटल से मिलती है, तो ये हमारे जो भी चीज़ें हैं ये हमें कम्युनिटी में ही मिलती है। गुड्स हैव टू बी प्रोड्यूस टू सेटिस्फाई नीड्स, दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो इसे जो हमारी नीड होती है, जो हमारी ज़रूरत है, उसको पूरे अगर किया जा रहा है प्रोडक्शन के थ्रू, तो इसे क्या कहा जाता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। द प्रोसेस ऑफ रीचिंग दोज गुड्स टू पीपल इज़ कॉल्ड सर्विस। तो जैसे कि देखिए वाटर सप्लाई होता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होता है, मार्केट है, ये सारे सर्विसेज होते हैं कि जो भी गुड्स, जो भी चीज़ें हमें चाहिए ये कहाँ से मिलेंगे, हमें अलग अलग सर्विसेज होते हैं उनके थ्रू मिलते हैं। प्रोडक्शन एंड सर्विस आर बोथ नेसेसरी टू सेटिस्फाई नीड्स। प्रोडक्शन जो होता है, अगर कोई फैक्ट्री है वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, कपड़े है या फिर बाकी की जो चीज़ें होती है घर में, जो भी हमें जो भी चीज़ें चाहिए, जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं उनका प्रोडक्शन होता है। उसके बाद जो सर्विसेज होती है, जो हमें घर में ज़रूरी होती है, वो हमारी नीड्स को, हमारी ज़रूरतों को पूरी करती है। मैनी पीपल कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस। तो एक ही इंसान तो सर्विस नहीं कर पाएगा हर जगह पे, तो कई सारे लोग इसे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। जो भी आपको डे टू डे लाइफ में जो भी चीज़ें लगती है वो एक ही जगह से नहीं मिलती है। वन पर्सन कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग। एक ही इंसान पूरी फैक्ट्री चलाएगा क्या, या फिर एक ही इंसान सारे सिटी के लिए प्रोडक्शन, जो चाहे किसी भी चीज़ का हो प्रोडक्शन, एक ही इंसान कर पाएगा क्या, नहीं। नाइदर कैन ही गिव ऑल सर्विसेज बाय हिमसेल्फ। खुद के लिए भी हम लोग सारे सर्विसेज नहीं दे सकते हैं, हमें हर एक चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिपेंड है। जैसे कि ग्रोसरी शॉप है वहाँ से अलग चीज़ें मिलती है, कपड़े का दुकान है वहाँ से सिर्फ कपड़े मिलते हैं, अगर आपको शूज़ लेने हैं तो कहीं पे किसी और प्रोडक्शन वहाँ से लेते हैं लोग। तो अगर हम एक इंसान के भी लिए सोचते हैं तो उनकी जो नीड होती है एक ही जगह से सर्विसेज नहीं हो पाती है। तो कम्युनिटी लाइफ इज़ इंटरडिपेंडेंट, इसीलिए कहा जाता है कि इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ये कम्युनिटी पूरी। कि जहाँ से देखिए हमें कपड़े मिलते हैं, वहाँ से अगर कोई चीज़ नहीं मिलती तो कपड़े वाले किसी और के ऊपर डिपेंड है, वो खाने के लिए फार्मर्स के ऊपर डिपेंड है, फार्मर्स किसी और के ऊपर डिपेंड है। तो ये सारी जो हमारी कम्युनिटी होती है, जो सारे लोग होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर क्या होते,
होते हैं डिपेंडेंट, इसीलिए कहा जाता है कम्युनिटी लाइफ इज इंटरडिपेंडेंट। हम सब लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं हर एक चीज़ के लिए। रूल्स फॉर लिविंग इन अ कम्युनिटी, तो देखिए कम्युनिटी में रहने के लिए, इस हमारे समाज में रहने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होता है। रूल्स आर नेसेसरी फॉर स्मूथ रनिंग एंड कम्युनिटी रनिंग ऑफ कम्युनिटी लाइफ। तो हमारे कम्युनिटी लाइफ हमें अच्छे से जीने के लिए कुछ रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है। वी हैव टू डील विथ अदर पीपल इन आवर कम्युनिटी ऑल द टाइम फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ आवर डे टू डे अफेयर्स। एवरीबडी हैज़ टू फॉलो सर्टन रेस्ट्रिक्शन। तो हर एक चीज़ जो हम लोग दिन में करते हैं, हर दिन करते हैं, तो उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना ही होता है। देखिए फॉर एग्जाम्पल, आपका घर है, आपके घर में कोई म्यूज़िक सिस्टम है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप ज़ोर से आवाज़ कर दोगे और सारे लोग सुनेंगे। नहीं, वहाँ पे हमें ये रूल्स फॉलो करने होते हैं कि आस पड़ोस में भी हम लोग इतना आवाज़ नहीं कर सकते कि उन लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो। दीज आर नोन एज रूल्स। तो ये जो रूल्स होते हैं, छोटे छोटे रूल्स होते हैं जो हम लोग घर में भी फॉलो करते हैं, घर के बाहर भी फॉलो करते हैं। रूल्स ब्रिंग डिसिप्लिन टू कम्युनिटी लाइफ। और ऐसे रूल्स फॉलो करने के कारण क्या होता है, कम्युनिटी लाइफ में डिसिप्लिन आ जाता है अच्छा सा। देखिए अगर आप गार्डन में जाते हो, पार्क में जाते हो, तो वहाँ पे लिखा होता है ना कि कचरा मत फैलाओ, कुछ भी आप चीज़ें खाते हो तो उसके बाद डस्टबिन में ही हमें वो पैकेट्स वगैरह जो भी पेपर होते हैं वो डालने होते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे डिसिप्लिन है कि आप, यहाँ पे रूल दिया हुआ है आपको कि गार्डन में या फिर पार्क में बैठने के बाद आप कचरा नहीं फैलाओगे। तो ये छोटे छोटे रूल्स होते हैं जिनके कारण हमारी कम्युनिटी लाइफ क्या होती है, स्मूथ रन कर पाती है, अच्छे से चल पाती है। देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे आपको पिक्चर दिख रहा है, कौन सा गेम खेल रहे हैं यहाँ पे, गर्ल्स प्लेइंग खो खो। तो आपने भी आपके स्कूल में खेला होगा या फिर देखा होगा कि किस तरीके से खो खो खेला जाता है। Why are rules necessary in games? तो देखिए खो खो अगर यहाँ पे खेला जा रहा है तो उस गेम का कोई ना कोई तो रूल होगा। अगर आप क्रिकेट खेलते हो या फिर आप कोई भी गेम खेलते हो, तो हर एक गेम के क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। तो ये रूल्स क्यों होते हैं, देखिए कि हर एक इंसान को जो भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे पार्टिसिपेट करता है, अगर उसे रूल्स पता है तो उसी रूल्स में रह के वो क्या करेगा, खेलेगा। वॉट आर द एडवांटेज ऑफ प्लेइंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स। और यहाँ पे एडवांटेज, क्या फ़ायदा होता है कि हम लोग रूल्स को फॉलो करते हैं और अकॉर्डिंग टू रूल्स खेलते हैं। तो इससे क्या होगा, हर एक बच्चे को यहाँ पे समझ में आएगा कि हमें खेल खेलना कैसे है। दूसरी बात होती है कि हम लोग यहाँ पे चीटिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा यही होता है कि हमें रूल्स फॉलो करके अच्छे से गेम खेलना चाहिए। वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट टीम स्पोर्ट। तो टीम स्पोर्ट का इम्पोर्टेंस क्या होता है, देखिए अगर खो खो आप खेलते हो तो अकेले आप खेल सकते हो क्या, नहीं, वहाँ पे आपकी पूरी टीम होगी। और टीम में देखिए कोई भी खेल होता है जैसे कि टीम स्पोर्ट वाला, जैसे खो खो है, कबड्डी, क्रिकेट, कोई भी ले लो, अगर वहाँ पे एक, अगर आपका जो भी टीम मेंबर होता है वो खिलाड़ी अगर गलती करता है तो उसका नुकसान पूरे टीम को होता है। अगर यहाँ पे पूरी टीम एक साथ खेल के अच्छे से गेम खेलती है, एक दूसरे को हेल्प करती है, कोऑर्डिनेट करती है, तो डेफिनेटली जीतने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बिफोर प्लेइंग एनी गेम वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड इट्स रूल। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी गेम खेलना होता है, कोई भी स्पोर्ट खेलना होता है, तो उससे पहले आपको रूल्स पता होने चाहिए। द रूल्स ऑफ द गेम आर द सेम फॉर एवरीबडी। तो देखिए जो स्पोर्ट्स के गेम होते हैं हर एक इंसान के लिए अलग अलग तो नहीं होंगे, चेंज तो नहीं होते, जो रूल्स फिक्स किए जाते हैं वो हर एक के लिए सेम ही होते हैं। Every player has to follow the rules. Only then does the game go on smoothly. और जब rules follow करेंगे सब लोग तभी game अच्छे से खेल पाएंगे। Similarly, in order to make sure that community life also goes on smoothly, we must follow the rules. जैसे कि हम sports में ये rules use करते हैं जिनके कारण जो खेल होते हैं वो अच्छे से हो पाते हैं, smoothly run कर पाते हैं, उसी तरीके से हमारी community life को अगर अच्छे से चलाना है तो हम लोगों को भी rules को follow करना होता है। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे, गेम्स हैव एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन अवर लाइव्स। वी इम्बाइब द क्वालिटीज ऑफ कोऑपरेशन एंड यूनिटी थ्रू गेम्स। तो देखिए जो गेम्स स्पोर्ट्स हम लोग स्कूल में खेलते हैं, इनके कारण क्या होती है, हमारी हेल्थ तो अच्छी होती है, लेकिन अगर हम टीम में खेलते हैं तो इससे क्या होता है, इम्प्रूव होती है हमारी क्वालिटीज़, जैसे कि कोऑपरेशन, एक दूसरे की हेल्प करना, एक दूसरे की मदद करना, या फिर यूनिटी, हम सब लोग साथ में खेल रहे हैं तो हम लोग हमारी पूरी टीम के बारे में सोचते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअली कोई अपने बारे में नहीं सोचता है। तो यहाँ पे यूनिटी जैसी क्वालिटी भी आप में बढ़ती है। पार्टिसिपेशन, डिटर्मिनेशन एंड पैशन आर मोर इम्पॉर्टेंट इन गेम्स दैन विनिंग और लूजिंग। तो देखिए अगर आप कोई भी स्पोर्ट खेलते हो, गेम खेलते हो, तो इसमें ये इम्पॉर्टेंट नहीं कि कौन हारेगा कौन जीतेगा, लेकिन जो आपका खेलने के लिए पैशन होता है या फिर आप पार्टिसिपेट कर पाते हो, उस खेल को सीख पाते हो, यही बड़ी चीज़ होती है। स्पोर्ट्स हेल्प अस टू स्टे हेल्दी। तो स्पोर्ट्स के कारण हम लोग हेल्दी भी रह पाते हैं। फाइंड दी रूल्स नेसेसरी फॉर कम्युनिटी लाइफ फ्रॉम दोज गिवन बिलो।
पुट अ राइट अगेंस्ट द करेक्ट रूल्स एंड अ रॉन्ग टिक अगेंस्ट दी रॉन्ग वंस। तो आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनके सामने आपको राइट है या फिर रॉन्ग है वो लिखना है। तो फर्स्ट दिया है जंप द क्वी एंड क्लाइंब ऑन दी बस। तो देखिए स्टूडेंट, ये सही बात है क्या? नहीं, हमें बस के ऊपर क्लाइंब करना या फिर इस तरीके से जंप करना ये अच्छी बात है क्या? नहीं, तो वहाँ पे रॉन्ग करना है। क्रॉस द रोड ऑन दी जेबरा क्रॉसिंग, ये आएगा राइट। इफ इंजर्ड गो टू अ डॉक्टर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर एट वंस, तो ज़रूर करना चाहिए। अगर आप इंजर होते हो, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो आपको पहले डॉक्टर के पास जाना चाहिए। रिपोर्ट अ लीकिंग टैप इन अ पब्लिक प्लेस टू द ग्राम पंचायत और दी लोकल गवर्नमेंट बॉडी, तो ये भी आप क्या कर सकते हो, सही है कि अगर कोई टैप है, जैसे कि पब्लिक प्लेस में कोई टैप है और वो लीक हो रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, अगर वहाँ पे ग्राम पंचायत है या फिर जो भी लोकल गवर्नमेंट बॉडी होगी, वहाँ पे जाके आपको कंप्लेंट करनी चाहिए या फिर वहाँ पे आपको बताना चाहिए कि यहाँ पे जो टैप है वो लीक हो रहा है, इसके कारण पानी वेस्ट हो रहा है, तो वो लोग ज़रूर आपकी मदद कर देंगे। डू नॉट ट्रैवल विदाउट अ टिकट, अगर विदाउट टिकट आप ट्रैवल करते हो तो ये सही बात है क्या? डू नॉट ट्रैवल विदाउट अ टिकट, तो आपको क्या करना है, हमेशा ट्रैवल करने के टाइम टिकट निकालना ही है। ऑलवेज रिमेंबर लेट अस ऑल हेल्प ईच अदर लेट अस ऑल फॉलो दी राइट पाथ, ये किसने कहा है, संत तुकाराम, जो कि बड़े संत हो चुके हैं, उन्होंने कहा है कि एक दूसरे की मदद करेंगे और एक सही रास्ते पर हम चलेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे डिस्कस में दिया है रूल्स हेल्प टू प्रिवेंट क्वारल्स फाइट एंड पार्शलिटी, व्हाट डू यू थिंक, तो ये आपको सोचना है, वहाँ पे आपके ही आंसर आ सकता है। व्हाट वी हैव लर्न, तो इस लेसन से हमने क्या सीखा, पीपल लाइक टू लिव इन अ कम्युनिटी, म्यूचुअल कोऑपरेशन इज द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ कम्युनिटी लाइफ, जैसे कि हमने लेसन में डिस्कस किया, आवर डेली नीड्स आर फुलफिल इन कम्युनिटी लाइफ, रूल्स आर नीडेड फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ कम्युनिटी लाइफ, अगर कम्युनिटी लाइफ अच्छे से स्मूथ रन होना चाहिए तो उसके लिए हमें रूल्स को फॉलो करना होता है। गेम्स टीचर्स कोऑपरेशन एंड यूनिटी, स्पोर्ट्स कीप अस हेल्दी, तो देखिए स्टूडेंट, काफ़ी अच्छी चीज़ें हमने इस लेसन में सीखी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।